भाई आपका वेंडर बोलेगा ही नहीं तो अगला आदमी तो पेट मार के बैठेगा ना। देखो यहाँ से शुरू हुई है लाइन, कम से कम 4-5 कोच रेलनीर बगल में दबा रखी है, हमको कह रहे हैं रेलनीर नहीं है। तो भाई ये हाल है कोच का। गेट खोल लो, सुबह से सब पैसेंजर परेशान हो रहा है इधर कि फोन चोरी हुआ है, अगर मान लो कल को कोई दिक्कत हो उस फोन से कुछ करे क्राइम। ट्रेन नंबर 13005 हावड़ा अमृतसर मेल, जो कि वेस्ट बंगाल के हावड़ा को पंजाब के अमृतसर से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1920 किलोमीटर कवर करती है 37 घंटे 25 मिनट के समय में, और एवरेज स्पीड जो रहती है पूरी जर्नी के दौरान वो रहती है 51 किलोमीटर पर आवर की। और आपको पता है स्टॉप्स कितने हैं इस ट्रेन के? 55 स्टॉप, 55 स्टॉप्स के साथ ये पूरी जर्नी कवर करती है। और आज इस हावड़ा अमृतसर मेल में हम लोग जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज मांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। ट्रेन आ चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर, और ये देखो भाई साहब ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लगी हुई है अपनी हावड़ा अमृतसर मेल के जनरल कोच के लिए। वहां से ये देखो यहाँ से शुरू हुई है लाइन, कम से कम 4-5 कोच लंबी लाइन है, ये इतनी आगे तक लाइन लगी हुई है जनरल कोच के लिए। RPF वगैरह हैं इधर पे ताकि भगदौड़ ना मचे, ठीक है, आराम से लोग बोर्ड कर पाए उसके लिए। तो आज की ये 37 घंटे की जर्नी हम लोगों की होने वाली है स्लीपर क्लास में हावड़ा अमृतसर मेल में, और आज जो अपना कोच है ये है S1, इसी में पूरी जर्नी होने वाली है। वैसे आज जो सीट मिली है वो भाई हम कभी भी सिलेक्ट नहीं करते अपनी जर्नी के दौरान, बट क्या करें इसमें सीट हमारी RAC में थी और कंफर्म होने के बाद वो सीट मिली है। कौन सी सीट है चलो दिखाते हैं। तो आज इस ट्रेन में जो अपनी सीट है स्लीपर कोच में वो है S1 में 1 नंबर लोअर बर्थ, बहुत ही कम हम इस सीट को सिलेक्ट करते हैं बट आज मिली हुई है। चलो भाई दो पानी की बोतल ले ली है जर्नी स्टार्ट करने से पहले, वहीं काफ़ी गर्मी है और अच्छी बात है यहाँ पर 15 की बोतल मिली है और 15 की एक ठंडी बोतल। चलो चलते हैं बाकी अपने कोच में। तो अपने निर्धारित समय से 7:15 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। तो भाई निर्धारित समय से अपनी ट्रेन निकल चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस हावड़ा अमृतसर मेल का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो डेली चलती है शाम को 7:15 पे हावड़ा रेलवे स्टेशन से, और तीसरे दिन सुबह 8:40 पे पहुंचा देती है अमृतसर रेलवे स्टेशन। किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग आसनसोल जंक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 7 प्लेटफॉर्म बने हुए, 185 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर आसनसोल रेलवे डिवीजन, और इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार का कोच मिलेगा। तो अभी कुछ वेंडर्स वगैरह यहाँ पर खाना सेल कर रहे हैं, वेज मील 150, ठीक है, वेज बिरयानी 90, हर चीज पे ओवर प्राइस, लोकल पानी चल रहा है उसको 20 रुपये में बेच रहे हैं। खैर अभी हमारा पानी खत्म हो गया, अभी कोई वेंडर आता है तो देखते हैं भाई रेलनीर है कि नहीं है इनके पास, और ये सारी चीज़ें ओवर प्राइस चल रही है अभी फिलहाल। तो भाई अब सोएंगे इस रेलवे स्टेशन के बाद, और खाने पीने की फैसिलिटी क्या है क्या नहीं क्या रेट पर मिलेगा ये आपको दिखाएंगे हम कल। पानी दे दो बोतल, कितने का है रेलनीर नहीं क्या है? क्या करूं मेरे भाई, आपने तो कह दिया आपकी बात ठीक है, रेलनीर नहीं है? नहीं भाई यही है, 15 रुपये का लगता है, 20 रुपये में ये देखो भाई साहब रेलनीर बगल में दबा रखी है, हमको कह रहे हैं रेलनीर नहीं है। ये कितने का है भाई? ये चाहिए ये ले लो, ये 15 रुपये, अभी तो ये था ही नहीं। अरे आ गया तो निकल गया तो ले लो। निकल गया? जैसे आप नौकरी कर रहे हो हम मानते हैं आपकी गलती नहीं है, आपको बेचने को दिया जा रहा है तो आप बेच रहे हो, वैसे ही जो इस कोच में ट्रैवल कर रहे हैं जो जनरल में ट्रैवल कर रहे हैं वो भी आप ही की तरह लोग हैं, उनके पास नहीं है एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए। ये अपने मैनेजर साहब को बोल दीजिए जाके अभी, ठीक है, क्या ना वहाँ पर डिमांड हो रही है कि रेलनीर चाहिए और 15 में चाहिए, ठंडा दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाई साहब अभी रात का बज रहा है 12:15 और अभी हमको वॉशरूम आना था, इतनी मुश्किल से हम वॉशरूम आ पाए हैं ना। आपको दिखाते हैं, अभी जसीदी जंक्शन निकली है अपनी ट्रेन, हम सो गए थे एकदम नींद खुली, भीड़ आई भयंकर। ठीक है, क्या हाल है अपने स्लीपर क्लास में दिखाते हैं हम आपको। भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से सोच सोच के हम वॉशरूम आए। तो भाई ये हाल है कोच का, इधर से भी लाएंगे थे, इधर से भी लाएंगे माँ लोग कैसे सका था बच्चा दम चप गया लड़की सब प्रशासन लड़की भीड़ भी इतना नहीं है, इतना से ज़्यादा भीड़। गेट खोल लो, सुबह से सब पैसेंजर परेशान हो रहा है इधर पे। किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंदर DDU रेलवे डिवीजन के। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। कल रात में आपने देखा भाई साहब यहाँ पर लोकल पानी वगैरह सेल कर रहे थे वेंडर, जब बोला रेल नीर के लिए तो कहते है ही नहीं, उसमें से एक बोतल निकली 20 रुपए की, फिर बाद में 15 रुपए लेके गए। उनको बोला था कि मैनेजर साहब को बोल देना, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं। अभी फिर से सुबह से देख रहे हैं टोटल लोकल पानी चल रहा है ट्रेन में 20 रुपए का। तो अभी हमने क्या किया है भाई, रेल मदद के पोर्टल पे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, रेल मदद के पोर्टल पे जाके हमने अपना PNR और मोबाइल नंबर से कंप्लेन रजिस्टर करवा दी है। अब देखो भाई जो भी एक्शन होगा नहीं होगा हम आपको बताएंगे आगे जर्नी में, बाकी अभी फिलहाल तो भाई यही चल रहा है। अभी ऑर्डर लेने आया था स्टाफ फिर से, कल रात में भी ऑर्डर ले रहे थे तो वेज थाली 150 रुपए की बोल रहे थे भाई साहब। मतलब AC कोचेस में अभी हमने देखा सुबह सुबह क्या था वहाँ पे टोटल रेलनीर की बोतल चल रही है, खाना जो है वो सही प्राइस पे चलेगा, लेकिन स्लीपर में इनको पता है ना यहाँ कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब गरीब आदमी ट्रैवल करता है तो उसी को और ज़्यादा लूटा जा रहा है। मतलब 150 रुपये की थाली, सोचो इस ट्रेन के लोग टिकट ले रहे हैं 100-100 रुपये के, कोई लोग तो वो भी नहीं लेते, वो आदमी कैसे खाएगा। ठीक है, अभी आपने गेट पे देखा कुछ लोग नीचे जमीन पे सोए हुए थे, उनको उठाना पड़ा, मजबूरी थी क्योंकि इसी साइड प्लेटफॉर्म आ रहा था, स्टेशन वगैरह आएंगे तो फिर पैसेंजर चलने में उतरने में दिक्कत आएगी, गेट ब्लॉक रहेगा तो उनको उठाया। ऐसे ऐसे पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, सोचो ये 150 की थाली कैसे खाएंगे। ठीक है, इसीलिए कंप्लेन हमने कर दी है। यही चीज़ है भाई, अभी तक हम लोग AC में ज़्यादा ट्रैवल किया तो AC में ये चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन स्लीपर जनरल में अभी भी वैसा ही सिस्टम चल रहा है जैसा अभी पहले चलता आ रहा था, 150 का खाना, लोकल पानी। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको वाटर वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपनी बोतल ला के 5 रुपये में रिफिल करा सकते हो 1 लीटर पानी, और अगर बोतल आपकी नहीं है तो वहाँ पर 8 रुपये की आपको 1 लीटर की पानी की बोतल मिल जाएगी, वो भी RO का पानी। तो अगर आपकी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 5 पे तो यहाँ पर आप पानी की बोतल अपनी रिफिल, गुड लक। तो अभी तो अपनी ट्रेन यहाँ से चलने वाली है बिल्कुल। और एक और चीज़ यहाँ पर ये देखो, गैप इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम 1.5 फुट का यहाँ पर गैप होगा कोच और प्लेटफॉर्म में। खाने का प्राइस आपको पता होगा कितना है, खाने का प्राइस वेज मील आपको स्टैंडर्ड और स्पेशल दोनों। हाँ तो वेंडर से आपके पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं नहीं, आपके ही वेंडर की बता रहे हैं। कल रात में हावड़ा से ट्रेन चली है, उसके बाद भी 150, अभी सुबह 150 बता रहे हैं, 160 का भी लिया। स्पेशल नहीं, हम उनसे पूछ रहे हैं कम वाला भी है नहीं है, नहीं मिल जाएगा आपको। तो ये बताइए, जो आदमी स्लीपर क्लास में 100-200 रुपए का टिकट लेके ट्रैवल कर रहा है फैमिली के साथ, इधर देखो एक आदमी एक औरत बैठी हुई जमीन कल रात से बैठी हुई, ये 200 रुपए का खाना खा पाएंगे? 300 रुपए का तो भाई आपका वेंडर बोलेगा ही नहीं, तो अगला आदमी तो पेट मार के बैठेगा ना। अब आप ये बताओ, उनके पास नहीं, अब उनको बोला 150 रुपए का खाना, उनके पास तो एक ही चीज बोल रहा है 150 का है, उनके पास नहीं है मना कर देगा, 80 का बोलेगा तो एक बार को वो खा सकते हैं लेकर, अब तो जाएंगे पूरा अमृतसर तक।
ऑर्डर आपका लेव एंडर तब तो ना, स्लीपर क्लास में ऊपर से कल रात से हम देख रहे हैं लोकल पानी लगातार चल रहा है। खाना बोला गया था 80 रुपए का पानी, 20 रुपए का दे रहे हैं बॉटल, 20 रुपए का मैं कल रात को खुद ही लिया था। लोकल पानी दे रहे हैं 20 रुपए का, लोकल पानी ऐसा थोड़ा ना आपको नॉलेज नहीं होगा। रैली तो अब है, कल रात में क्या लेके घूम रहे थे सब, कल रात में क्या था सबके पास? अरे महाराज, अगर आपके पास कंप्लेन में फोटो आई होगी तो आपको पता होगा उसके संग फोटो अटैच हुई है। हाँ तो कितना रेट बोला था? 150। हाँ हमारा क्या रहेगा वो बात अलग है, मेन मुद्दा ये है कि आपकी नॉलेज, हाँ एक तो ये किसी को बताते नहीं है, ठीक है, दूसरी बात लोकल पानी भी 20 का, रेलनीर भी 20 का, भाई ये क्या तरीका है? अंडा वाला 160 बोला है, मच्छी वाला 180, मीट वाला 150। अरे सभी बेच रहे हो यार, हम किस किस का बोले, सबका ही है, 20 रुपए सब बेच रहा है भाई, एक आदमी बेचे तो आप बोल रहे हो ना यार ये चीज तो। अरे अभी हमने लिया पानी, आप बैठे थे अंकल, कितना कितना पैसा काटा? 40 रुपए काटा। 40 काटा, देख लो, झूठ थोड़ा ना कोई आपको बोल रहा है। आप दो बार तीन बार बोले उसके बाद पैसा काटा है, पूछ लीजिए इनके सामने, अभी पानी लिया, बम वाले हैं झूठ बोलेंगे, उसको 3 से 4 बार टोका है तब जाके 10 रुपए रिटर्न किया है, 40 रुपए काट के जा रहा था रेलनीर का। आपको भी देखना चाहिए कि इसमें स्लीपर क्लास में किस तरीके का आदमी ट्रेवल करता है, उस हिसाब से सर्विस दो आप, है ना? आप कम से कम एटलीस्ट ये क्या के रखो वेंडर से कि भाई तुम, आपको 150 में पनीर की सब्जी ऐड करके बेच रहे हो, यही बात है, तो आप उसको ये भी बोलोगे 150 भी बताओ, 80 भी बताओ, जिसको जो चाहिए होगा वो लेगा, जिसकी पॉकेट जितना अलाउ करेगी आदमी उतना लेगा ना, जिसको नहीं ले पाएगा आदमी पेट मार के रह जाएगा ना। ऊपर से पानी, पानी ऐसी चीज में तो यार मत ही करो ये सब चीजें, है ना, ऐसी बात नहीं है लोकल। अच्छा ये बताओ लोकल पानी बिक रहा आपको नहीं पता? पता है ना, तो गलत चीज है ना। वो देखिए ऊपर बोतल लगा हुआ है लोकल पानी का, वो तो बाहर वाले का, इनका नहीं है, इनका है डार्क नीले कलर का पानी। तो यार ऐसा मत करो, हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी है स्लीपर क्लास में पैसेंजर उसको उसके हिसाब से आप ट्रीट करो, दोनों प्राइस बताओ, आपको 150 का बेचना बेचो, लेकिन पैसेंजर अगर 80 का मांग रहा है तो उसको 80 का प्रोवाइड करो, ठीक है ना? बस हाँ बस इतना ही हमारा कहना है आपको, और पानी सही प्राइस पे बिकवाइए। अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग वाराणसी जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 9 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 197 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है, 19 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। भाई साहब अभी आपने देखा कंप्लेन कर दी थी हमने रेल मदद के ही पोर्टल पे, आप गूगल पे जाओगे तो वहाँ रेल मदद लिखोगे तो वहाँ रेल मदद का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहाँ अपना मोबाइल नंबर वगैरह OTP वेरीफाई करा के PNR वगैरह डाल के आप भी कंप्लेन कर सकते हो अपनी जर्नी के दौरान, बहुत जल्दी उस पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अभी आए थे पेंट्री के मैनेजर, सारी चीज़ें आपने देखी सुनी ही, तो अभी भाई आखिरी में ठीक है बोल रहे हैं, ठीक है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें नहीं भाई, पूरे कोच में किसी भी पैसेंजर को जो भी चाहिए रेट टू रेट दो, जो भी मांग रहा है पैसेंजर वो दो, पानी सही चीज़ दो, तो कह रहे हैं ठीक है ऐसा वैसा देखते हैं, तो भाई ठीक है अब कंप्लेन करने के बाद तो देखने को मिलेगा, अब आगे सुधार वगैरह जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे इसी जर्नी में। बाकी अभी यहाँ पर मौसम काफ़ी सही हो गया है, ये देखो बारिश वगैरह हो रही है तो मौसम तो काफ़ी सही है, और यहाँ पर अपनी ट्रेन में जो एक्स्ट्रा क्राउड था वो काफ़ी हद तक अब कम होगा, अभी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड थी अपनी ट्रेन, लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हैं हम तो थोड़ा कोच में जगह हो गई है, फिर भी स्लीपर क्लास में तो जानते हो ओवर क्राउड तो चलने ही वाला है। वैसे इस ट्रेन में आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट में वही जो मेन्यू चलता है सभी ट्रेन्स में ऑलमोस्ट, यहाँ पर ये है अपना ब्रेड कटलेट, ठीक है 40 रुपए का ब्रेड कटलेट मिलेगा, इसके साथ एक ये है टोमेटो केचप, और साथ में दो वाइट ब्रेड है, और कटलेट देख रहे हैं काफ़ी बड़ा बड़ा इसमें कटलेट है, और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज भी है, और नॉन वेज में आप लोगे तो आपको मिलेगा ऑमलेट और ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा, ठीक है
चलो हम आपको फटाफट थोड़ा सा टेस्ट करके बता देते हैं कटलेट का स्वाद कैसा है। वैसे जो है गर्मा गर्म दिया हुआ है ब्रेकफास्ट, टेस्ट सही है, ट्राई कर सकते हो आप, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है बट एवरेज है। अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग प्रतापगढ़ जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 60 ट्रेन्स का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता ही अंडर लखनऊ चारबाग रेलवे डिवीजन के। वही पेंट्री से हम लोगों ने ऑर्डर किया था वेज मील, तो ये आ गया अपना वेज मील। इसमें एक ये है आलू, एक आध मटर डली है, बस आलू मटर की एक सब्जी हो गई, साथ में एक ये है दाल फ्राई और एक अचार दिया हुआ है इसमें, अचार चावल और वैसे दही रहता है साथ में, लेकिन दही की जगह ये एक सोन पापड़ी दी है, तो वो ठीक लग रही है भाई। चलो बाकी इसका बाद में बताएंगे। तो दही की जगह हो गई सोन पापड़ी और बाकी साथ में दो पराठे दिए हुए हैं। गर्मा गर्म है खाना, मतलब ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा गर्म तो है, क्योंकि यहाँ से जो है ना अपने कोच से पेंट्री करीब 9 कोचेस बाद है। चलो वो हम आपको टेस्ट करके बताते हैं फटाफट अपनी ये जो आलू की सब्जी है इसका स्वाद कैसा है। सही है यार, आलू की सब्जी का टेस्ट जो है सही है, मसाले वगैरह इसमें सही डले हुए, ज़्यादा मिर्च मसाला तो नहीं है, अच्छा है टेस्ट। अब देख लेते हैं दाल। दाल का टेस्ट भी सही है, तो भाई इस ट्रेन में आप पेंट्री का खाना ट्राई कर सकते हो, वेज थाली का टेस्ट तो सही है। एक 1058 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ सिटी का लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 9 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 236 ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। भाई साहब भीड़ जो है ना स्लीपर क्लास में कम होने का नाम ही नहीं ले रही, अभी भी थोड़ी ट्रेन खाली हुई है उसके बाद फिर भर गए लोग, ये देखो गेट तक भर गए लोग, जगह बच ही नहीं रही है, कोई पैसेंजर आ रहा है कोई जा रहा है। स्लीपर का ये हाल है कि सारे स्लीपर कोच, इसमें लगभग 9 स्लीपर के कोच लगे हैं, 9 के 9 में जनरल कोच जैसा हाल है पूरा, कोई देखने वाला ही नहीं है। टीटी भी आ रहा है, एक दो देखा चले गए ऐसे ही भाई, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है स्लीपर में, तो कोई पूछने वाला नहीं है कौन पैसेंजर है, कौन सा पैसेंजर कहाँ जाएगा, किसी के पास टिकट है कि नहीं है, बुरी स्थिति है भाई साहब आज के टाइम में स्लीपर क्लास की। और भाई लखनऊ रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह तो आपको मिलेंगे ही, तो यहाँ से आप दूध की बोतल या जो भी अभी हमने ले लिया एक दूध की बोतल या बटर स्कॉच फ्लेवर की, और भी चीज़ें आप पानी वगैरह और स्नैक्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लॉक बेल्ट चेन ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म वाले काउंटर पे ही, टूथपेस्ट टूथब्रश और चार्जर ये सारी चीज़ें भी। आप कहाँ से? लखनऊ से ही हो? नहीं मैं अमेठी से हूँ। अच्छा, यहाँ पे अमृतसर में रहता हूँ। कहाँ? अमृतसर, उसी में कौन से कोच में? मैं तो काफी एक बीएस मोनू भैया को ही फॉलो करता हूँ, वो भी आपके साथ ही वो करते हैं ना। कई बार इनॉग्रेशन वगैरह मिल जाते, नहीं तो अलग ही ट्रैवल करते हैं हम लोग। मैं आप ही दोनों की ट्रेन ब्लॉग देखता ही, और किसी का देखता फिर नहीं। अच्छा, सही, और किसी का नहीं देखता हूँ।
और इससे अच्छा भी नहीं लगता है। नहीं झूठ नहीं बोलना, जो बात है जो टेंशन लेना है उस चीज़ का। और आपके तो मैंने कम से कम कितनी डाउनलोड वीडियोस भी रखी है। अच्छा कहते ना मेरे को एक तो ट्रेन का स्टडी कर रहा था थोड़ा, मेरे को उसके बारे में नॉलेज भी मिल जाती है। और आपके ब्लॉग से ना काफ़ी ये भी पता लगता है कि ट्रेन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है ना। तो अभी यहीं से चढ़े हो ट्रेन में? नहीं मीठी से चढ़ो। अच्छा मीठी से चढ़ो, S3 में। बुरा हाल है स्लीपर में तो? हाँ वो तो है, आपको पता ही है हावड़ा का। हम लोग तो हावड़ा से ही आ रहे हैं। अच्छा आप तो वहाँ से चढ़े होंगे दीनदयाल उपाध्याय? नहीं नहीं हावड़ा से आ रहे हैं। एकदम हावड़ा से आ रहे हैं? हावड़ा से आ रहे हैं। तो बुरा हाल है, रात भर कल सोए भी नहीं है ढंग से। अरे पूरी रात धाम धाम, कल रात में तो वो भीड़ थी कि पैर रखने जगह नहीं थी। अच्छा बिहार में पूरा। अरे तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ गया? नहीं ये कावड़ यात्रा वगैरह ये सब था ना उस चक्कर में, खत्म होने वाला नहीं। 31 हाँ, लेकिन अभी भी भयंकर उधर चल रहा है बिहार में पूरा जसीदी वाले रूट पे। भाई साहब ये देखो शाम का 5:45 हो गया है, लगभग 2 घंटे लेट हो गई यहाँ पर अपनी ट्रेन। ठीक है 3:50 पे निकलना था, ऑलमोस्ट 5:50 पे अब सिग्नल हुआ है यहाँ पर। भाई साहब इतना लेट हो गई अपनी ट्रेन, चलो चलते हैं अंदर। ये देखो भीड़ हो गई है अब तो स्लीपर कोच में और तगड़ी। उठ जाओ दादा, उठ जाओ भाई थोड़ा। हट जाइए। चलो भाई फाइनली लखनऊ से निकल चुकी है अपनी ट्रेन। तो भाई यहाँ पर जो है काम चल रहा था ट्रैक का, इसी वजह से ट्रेन को अपनी काफी रोक के रखा हुआ था। ये देखो भाई अभी रात का बज रहा है 8:25 और अपन लोगों को सर्व कर दिया गया है डिनर। वेज हमने मंगाया था पेंट्री से, ठीक है। तो यही अपनी 80 वाली थाली जो था सुबह, सेम वैसा ही है मेन्यू में, बस यहाँ पर एक सब्जी का अंतर है। सुबह आलू और मटर की सब्जी थी और अभी ये कुछ परवल आलू की सब्जी है रसे की। बाकी एक ये हमने मिष्टी दही अलग से लिया है यहाँ पर ट्रेन के वेंडर से ही, जो कि हमें पड़ा है 25 रुपये का। तो ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको चाहिए अलग से तो मिल जाएगा इस ट्रेन में मिष्टी दही 25 रुपये का एक है ये वाला इस कंपनी का। बाकी ये अपनी वेज मील है वही है, चलो खा लेते हैं फिर ओवरऑल आपको टेस्ट बताएंगे। आप वेज उतर रहे हैं? 1300 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन, जिसको ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता ही अंडर मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और अभी जो वेज मील हमने ऑर्डर की थी, खाने का टेस्ट एवरेज था, दिन में जो खाना था ना जो लंच था उसका टेस्ट सही था, लेकिन अभी जो मील थी ना डिनर में उसका एवरेज सा टेस्ट था। उतना कुछ खास ट्रेन का हमको खाना नहीं लगा है। बाकी इमरजेंसी है या फिर आपके पास नहीं है कोई ऑप्शन तो आप ट्राई कर सकते हो इस ट्रेन का खाना। बाकी अभी अपनी ट्रेन लखनऊ से 2 घंटे लेट निकली थी, 2 घंटे की देरी से ही चल रही है, रात का भी 10 बज गया है। भाई साहब जोरदार नींद आ रही है, क्योंकि कल रात में क्या हुआ आपने देखा, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था अपनी ट्रेन में कल रात में, ढंग से सो भी नहीं पाए, इतनी भीड़ हो गई थी, लोग सीट पे आके बैठ रहे थे, ये चक्कर था। तो अभी बहुत ज़ोरदार नींद आ रही है। वैसे हमें मुरादाबाद जंक्शन भी कवर करना था, लेकिन अब वो रात के 12:30 लगभग आएगा तो अब पॉसिबल नहीं है, अब जोरदार नींद आ रही है। चलो अभी फिलहाल सोते हैं, उसके बाद सुबह कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, मिलते हैं आपसे सुबह। अभी फिलहाल के लिए गुड नाइट।
1828 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 20 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 108 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 25 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के अंडर में, और अपनी ट्रेन का जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन पे 7 मिनट का स्टॉप है। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन, उससे पहले वॉशरूम की कंडीशन दिखा दें। तो बेसिन वगैरह ओके है, मिरर वगैरह आपको ज़्यादा क्लीन तो नहीं मिलेगा, और वॉशरूम की अगर अंदर की कंडीशन की बात करें तो यूजेबल कंडीशन में रहा, साफ सफाई मेंटेनेंस तो होता रहा स्लीपर क्लास में भी, बट वही है कि थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब 2-4-5 मिनट वॉशरूम में बिठा सकते हो, ऐसा सीन है। उतनी साफ सफाई मेंटेन की गई है इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में। प्लेन देख लो, इधर आरपीएफ करवा दो, मिलना तो नहीं है वो बात तो है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए करवाना चाहो तो करवा लो, बाई चांस मिल जाए तो। आरपीएफ ऑफिस होगा इधर, जबकि आरपीएफ सब घूम रहा है इधर, उसके बाद भी लोगों का काम वैसे ही रहता है। अभी ये जो ब्रिज आ जाता है, ब्रिज के पास में आप लोग खड़े हुए थे जब हम इधर पे थे, उसके बाद ही ना, हाँ उसके बाद फिर वो 20 जंक्शन पड़ा है, अगर लिया है उस टाइम तो उतर गया होगा वहाँ पर। करवा दो कंप्लेन तो करवा ही दो अपने तरफ से, मेन बात क्या है ना कि फोन चोरी हुआ है, अगर मान लो कल को कोई दिक्कत हो उस फोन से, कुछ करे क्राइम, तो आपके पास तो रहेगा भाई, हमारे नाम पे फोन है, हमने तो FIR करा रखी है, इसके लिए तो कम से कम करा दो अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन अमृतसर जंक्शन। भाई जब 37 घंटे 25 मिनट की जर्नी थी, 38 घंटे 25 मिनट में कवर हुई है स्लीपर क्लास में, समझ रहे हो क्या हाल हुए होंगे। इस टाइम तो बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से नहा लें, बहुत अजीब सा लग रहा है, इतना धूल धूल हो जाता है ना स्लीपर क्लास में, आपको पता ही है। बाकी इस ट्रेन में यार एक चीज़ है, जो पेंट्री की सर्विसेज है ना, अगर आपको कहीं भी कुछ भी लगे कि भाई ओवर प्राइस है, लोकल पानी है, सीधी कंप्लेन कर देना तभी ठीक रहेगा, तब आपको सही चीज़ मिलेगी। इस चीज़ को हमने जो है इस ट्रेन में ऑब्जर्व किया है कि अगर आप बोलोगे कंप्लेन करोगे तो ठीक है, नहीं तो सीधा एक बोलने पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लोकल पानी उसके बाद भी आता रहा, फिर एक बार और टोका, तब जाके लोकल पानी बंद हुआ था इस ट्रेन में, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खाना तो हमने बताया ही, 80 का मांगोगे तरीके से, अगर नहीं दें तो कंप्लेन कर लो तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर 150 रुपये का वेज और 160 की एक थाली आपको मिलेगी इस ट्रेन में। भाई साहब बहुत तगड़े हाल हैं। और बाकी अभी आपने देखा एक और चीज़ क्या हुआ, एक और इंसिडेंट हुआ, अभी 20 जंक्शन पड़ा था अमृतसर जंक्शन से पहले, वहाँ पर क्या है, एक दो लोग थे और इनकी फैमिली वगैरह थी, इनका फ़ोन हो रहा था ऊपर की सीट पे चार्ज, पता नहीं कौन आया क्या नहीं आया, फ़ोन गायब कुछ देर बाद। तो फ़ोन अगर आप चार्ज पे लगा रहे हो तो अपने पास रखो, अपने हाथ में रखो, ध्यान दो इस चीज़ का, कोई भी कभी भी आके लेके चोरी कर सकता है, चाहे स्लीपर हो, जनरल हो, AC हो, कोई गारंटी नहीं है। और फिर कोई भी जवाब नहीं देगा आपको इस चीज़ का कि भाई कौन था क्या था, कुछ नहीं पता होगा किसी को भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आप जब भी जर्नी कर रहे हो, ये इस ट्रेन में नहीं, किसी भी ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। बाकी आपको ये जर्नी, ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। हाँ एक और चीज़ आपको ध्यान रखना, भाई इतनी लंबी जर्नी स्लीपर क्लास में करिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी है, भूलना नहीं, कमेंट करना भूल जाते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ भाई, यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम की ID मेंशन हो रही है, वहाँ सारे अपडेट्स वगैरह हम देते रहते हैं, वहाँ ही फॉलो कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आना है भाई सभी को। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।